हम संतुष्ट कर लें स्वयं को, स्वयं को स्वयं संतुष्ट करना है। अपनी संतुष्टता की ओर के लिए दूसरों की ओर देखना बहुत बड़ी कमजोरी है। हम स्वयं में स्वयं संतुष्ट हो सकते हैं, केवल ईश्वरीय प्राप्तियों से संतुष्ट हो सकते हैं। जिसलिए बाबा के पास आए हैं वो करने से संतुष्ट हो सकते हैं। जो बाबा हमें दे रहा है, देना चाहता है, उसे प्राप्त करके ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। सांसारिक प्राप्तियां इस जीवन में मान और सम्मान भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। सबको अनुभव है, कितना भी मान सम्मान इस अलौकिक जीवन में भी क्यों न मिल जाए, परंतु वो हमारी संतुष्टता का आधार नहीं बन सकता। तो अपने लक्ष्य को दृढ़ करें और उन सब बातों को किनारा कर दें जो हमारे लक्ष्य में बाधक हैं। दूसरी बात पर भी हम विचार करें, साक्षी दृष्टा की जो बहुत सुंदर बात हमारे सामने आई। क्या है साक्षी दृष्टा? जैसे बाबा ऊपर बैठकर इस खेल को देखता है, जरा विचार किया करें, इस समय भी ऊपर बैठकर बाप दादा हम सभी को कैसे देख रहे होंगे। सारा दिन सारा समय बाबा जब इस संसार को देखता होगा तो कैसे देखता होगा, उसके देखने के तरीके को साक्षी दृष्टा कहते हैं। कि संसार में कोई आत्मा जो कुछ भी कर रही है उसका कोई इफेक्ट न हम पर हो, हम अपने पार्ट को सहज भाव से आनंद पूर्वक प्ले करें। हमें ये स्मृति रहे कि ये संसार एक विशाल नाटक है, मैं और सभी आत्माएं इसमें एक्टर्स हैं, पार्टधारी हैं। इस संसार को एक नाटक की तरह देखकर इसका आनंद लें, न केवल आनंद लें बल्कि इसमें घटने वाली भिन्न भिन्न घटनाओं से और बातों से भी अप्रभावित होकर रहें। केवल देखें, जो कुछ देख रहे हैं उससे भी अप्रभावित रहें। ये साक्षी भाव की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जिसको बाबा ने कहा है। ये साक्षी दृष्टा स्थिति ही अति मीठी स्थिति है। और बाबा के ये भी सुंदर महावाक्य हैं कि जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूं, यदि तुम भी वैसे ही इस खेल को साक्षी होकर देखो तो तुम भी बाप समान बन जाओ। तो हम अपनी दिनचर्या में एक समय रख लें, एक नियम निश्चित कर लें कि हमें एक दो बार सारे दिन में इस सारे संसार के खेल को साक्षी होकर देख लेना है। कैसे ये संसार का खेल सतयुग से और अब तक चलता आया है, कैसे सभी आत्माएं इसमें अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, कैसे हर आत्मा अपने पार्ट में बंधी हुई है, हर एक को अपने योग्यताओं के अनुकूल पार्ट मिला है। हमें अपने पार्ट का आनंद लेना है, दूसरे के पार्ट को देखकर अपने पार्ट को कम समझकर परेशान नहीं होना है। ये विश्व एक ड्रामा है। सभी ज्ञान का चिंतन करके कुछ ऐसी बातें अपने पास नोट करें कि हमें इस विश्व ड्रामा के जो सूक्ष्म रहस्य मालूम हैं उनका अपने जीवन में हम कैसे रोज प्रयोग करें।
एक बहुत गहरी और अच्छी बात बाबा की। सभी को याद है, फिर से याद करेंगे, बड़ा राज है इस बात में। इस ड्रामा में एक सीन जो एक बार घटित हो जाता है वो दोबारा नहीं होता। कितनी राज भरी बात है। हम इस बात को साथ लेकर चलें और जो सीन घट रहे हैं उन्हें जाने दें, छोड़ते चलें। बहुत अधिक ध्यान देना है कि पास्ट हमारे वर्तमान को प्रभावित न कर रहा हो। हमें वर्तमान का सुख प्राप्त करना है, वर्तमान में स्वयं को ईश्वरीय खजानों से भरपूर करना है। ऐसा ना हो कि हमारा कड़वा पास्ट हमारे उज्जवल भविष्य को भी कड़वा बना दे, क्योंकि हमारा भविष्य वर्तमान पर निर्भर है। सभी विचार करेंगे, पास्ट चाहे किसी का कैसा भी कड़वा क्यों न रहा हो, उसकी छाया वर्तमान पर नहीं पड़ने देनी है। चाहे वो पास्ट कल का ही हो, उसकी छाया वर्तमान पर न पड़े, ताकि पास्ट का इफेक्ट हमारे भविष्य को प्रभावित न करे। तो सब कुछ साक्षी होकर देखते हुए जो बीत गया है उसको बीत जाने दें और अपने चित्त को शांत करें। संगम युग पर अपने चित्त को शांत रखना सबसे बड़ी विवेकशीलता है, सबसे बड़ी विजडम है। जिस ज्ञानी आत्मा ने अपने चित्त को शांत रखना सीख लिया हो, मानो उसने एक बहुत बड़ी कला सीख ली है, बहुत बड़ा आर्ट सीख लिया है। उस आत्मा के पास ज्ञान का बहुत बड़ा बल विद्यमान है, क्योंकि मन को विचलित करने वाली बातें तो रोज कही आती हैं। हम सभी ज्ञानी आत्माएं हैं, अपने चित्त को शांत रखना सीखें। इसके लिए मैं एक बात अपने जीवन में भी बहुत ध्यान दी है और सभी को वो बात कहूँगा। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे संबंध जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें स्वीकार करके चित्त को शांत करें। कुछ चीजें हमें स्वीकार करनी ही होती हैं। हम देख रहे हैं जैसे जैसे कलयुग का समय समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, जो बाबा बहुत साल पहले से कहते थे, एक बहुत डीप महावाक्य कहा हुआ है कि सभी के कर्मों के हिसाब किताब चुकतु होने की मिशनरी बहुत गहन है। तो अब दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे काल आगे बढ़ रहा है, अनेक आत्माओं के, लगभग सभी के पूर्व जन्मों के पाप कर्म सामने आ रहे हैं। उनको फेस करना, उनसे अप्रभावित होना, उनके दुष्परिणाम को जल्दी से जल्दी समाप्त कर लेना, ये बहुत आवश्यक है। तो सभी साक्षी भाव बढ़ाएंगे और आने और जाने की प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देंगे।